हेलो एंड वेलकम गाइज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आपके व्हाट्सएप में भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसे ही किसी भी फोटो या वीडियो को डाउनलोड करने का ट्राई कर रहे हो और उसके जस्ट बाद आपको ये प्रॉब्लम शो हो रही है, डाउनलोड वैलिड, द डाउनलोड वॉज अनेबल टू कम्प्लीट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस एरर का सलूशन लेकर आया हूँ। तो कैसे आपको इस एरर को ठीक करना है, आज की वीडियो में मैं आपको यही डिटेल में बताने वाला हूँ। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे आपके व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से गाइज आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। तो अपडेट करने के बाद फिर आपको मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है और अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन एंड शेयरिंग पे टैप करना है और फिर आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है और अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा रिसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो गाइज आपको यहाँ पर क्लिक करना है और अब आपको नीचे से रिसेट कर लेनी है आपके वाईफाई मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ की सेटिंग को। फिर आपको यहाँ पे बैक आ जाना है और अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है और फिर आपको यहाँ पे ऐप्स पे टैप करना है। अब आपको मैनेज ऐप्स पे टैप करना है और अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है व्हाट्सएप, और अब आपको व्हाट्सएप पे टैप करना है। मैं आपको यहाँ पे एक तरीका और बता देता हूँ जिससे कि आप यहाँ पर सेम पेज पे ओपन हो जाओ। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपका व्हाट्सएप होता है आपको उस पर लॉन्ग प्रेस करना है और अब आपको ऐप इन्फो पर टैप करना है। फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर सेम पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले फोर स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की तरफ, आपको फोर स्टॉप पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्लियर डेटा पे टैप करना है और आपको यहाँ पर क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्लियर कैचे पर टैप करके ओके कर देना है। गाइज अगर आप यहाँ पर क्लियर ओल्ड डेटा पे टैप करोगे तो आपका यहाँ पर सभी डेटा क्लियर हो जाएगा व्हाट्सएप से। तो अब आपको यहाँ पे डेटा यूज का ऑप्शन मिल जाता है, आपको सबसे पहले डेटा यूज पे टैप करना है और आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन को इनेबल रखना है। आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला वाला मोबाइल डेटा और सेकंड वाईफाई और थर्ड बैकग्राउंड डेटा, तो आपको तीनों को इनेबल रखना है। तो गाइज आप यहाँ पे बैकग्राउंड डेटा को ऑफ भी कर सकते हो क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप यहाँ पे बैक आइए और अब आपको ऐप परमिशंस पे टैप करना है और आपको जितनी भी परमिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिले आपको सभी को अलाउ कर लेना है, जो कि गाइज मेरी यहाँ पे सभी परमिशन पहले से अलाउ है। फिर आप यहाँ पे बैक आ जाइए और अब आपको थोड़ा नीचे की तरफ आ जाना है। तो अब आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट डेटा यूज को चेक कर लेना है। आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्ट डेटा यूज, अगर आपके दोनों अनटिक है तो आपको दोनों पर टिक लगाकर ओके कर देना है। इससे क्या होगा गाइज, अगर आपके ये अनटिक है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे आपके मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई नेटवर्क को आपके मोबाइल के अंदर, तो इसलिए आपको दोनों पर टिक लगाकर ओके कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपका व्हाट्सएप होता है आपको इसको ओपन कर लेना है और अब आपको ऊपर की तरफ थ्री डॉट्स पे टैप करना है और अब आपको सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग पर टैप करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा स्टोरेज एंड डेटा, तो आपको स्टोरेज एंड डेटा पे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे मिल जाता है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको जितने भी ऑप्शन देखने के लिए मिले आपको सभी पर टिक लगाना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, आपको इसको सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर भी सभी पर टिक लगाकर ओके कर देना है। तो गाइज जैसे ही आप इतना काम करोगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगी। तो मुझे आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था और गाइज इतना काम करने के बाद आप इजीली यूज़ कर पाओगे आपके व्हाट्सएप को, आपको कोई प्रॉब्लम या एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मुझे आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना था। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।